अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आलू गाजरे बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आलू गाजरे कैसे बनाई जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना चूल्हा जला लेंगे। चूल्हा जला लिया है हमने, अब इसके ऊपर एक हम देसकी रख लें। इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन एक कप के करीब। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन दो कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे तरीके से इसके अंदर ब्राउन करना है। तो जी दोस्तों माशाल्लाह हमारे प्याज बहुत अच्छे तरीके से ये देख सकते हैं आपके ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक कटा हुआ टमाटर। इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अदरक लहसुन और सब्ज मिर्ची की पेस्ट। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हो चुकी हैं, बड़े अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन आधा किलो गाजरें। ये आप देख सकते हैं कि ऐसे मैंने ब्रीक इनको चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसके अंदर ऐड कर लिया है। ऐड करके हम इसको इसके अंदर एक मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। तो जी दोस्तों हमारी गाजरें इसके अंदर अच्छे तरीके से भुनी जा चुकी हैं। तकरीबन एक मिनट हमने इसको भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन आधा किलो आलू। आलू मैंने अच्छे तरीके से छील के इनको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया था। ज़बरदस्त माशाल्लाह बिस्मिल्लाह सुभानअल्लाह। अब इसको भी दो से तीन मिनट के लिए ऐसे ही हल्का हल्का हलाते हुए आपने भूनना है ताकि नीचे से खाना ना आपका जले। फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन दो ग्लास पानी। अपनी सारी सब्जी को इसके अच्छे पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिप कर लेना है ताकि सारी सब्जी अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम इसको ऊपर से ढक कर पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आँच के ऊपर। तो जी दोस्तों आपने भी इसको ऐसे ढक देना है, ऊपर से ढक्कन रख देना है कोई भी, और 8 मिनट के लिए हम करते हैं वेट। 8 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ कि हमारी सब्जियाँ माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से पक चुकी होंगी। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा खाना अच्छे तरीके से बन रहा है। अभी इसको हम डांप के रख देंगे ताकि ये पानी खुशक होने तक हम वेट करें और हमारी सब्जियां भी बड़े अच्छे तरीके से तब तक गल जाएंगी, ताकि क्योंकि हमने 8 मिनट के लिए इसको ढांक के पकाना है अभी। 8 मिनट हो चुके हैं। 8 मिनट के बाद आप देखें हमारा
पानी भी सूख चुका है जो हमने खाने के अंदर डाला था, और खाना हमारा बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, जो आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं,